हेलो दोस्तों, आपके एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं वो हमने HVAC डिजाइनर ड्राफ्टिंग कोर्स के अंदर वो हम वीडियो का टॉपिक है हमारा हीट लोड एस्टिमेशन। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे हीट लोड एस्टिमेशन करते हैं और क्या क्या हमें वहाँ के क्या क्या प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है हीट लोड एस्टिमेशन के लिए। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं तो एक हीट लोड एस्टिमेशन पहले बनाना पड़ता है, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि वहाँ पे जिस एरिया का हमें हीट लोड कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे क्या काम होना है, वहाँ पे कौन कौन सी मशीन यूज होगी, वहाँ का जो साइज है वो कितना है, वो उसका डायरेक्शन क्या, ये सब का हम पहले से एक आइडिया बनाना पड़ता है, ताकि हम जब कैलकुलेशन करें तो कम से कम मिस्टेक हो सके और हम ज़्यादा एफिशिएंट वे में हीट लोड कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो हीट लोड एस्टिमेशन होता है उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, यानी कि हमें क्यों हीट लोड एस्टिमेशन करना जरूरी होता है। अगर हम हीट लोड एस्टिमेट करते हैं तो हम यहाँ जो हीट लोड कैलकुलेशन होता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाएगा, एक्यूरेट मेथड हो जाएगा, और हम एग्जैक्ट वे में जहाँ पे जो वहाँ का जो हीटिंग या कूलिंग लोड है उसको हम कैलकुलेट कर सकेंगे, और जो वहाँ का डिज़ाइनर है यानी जिसको हीट लोड कैलकुलेट करना है डिज़ाइनर है उसको थोड़ा आसान हो जाएगा उस चीज़ को कैलकुलेट करना कि वहाँ पे कौन सी हम मशीन यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट वे में कौन सी मशीन वहाँ पे काम कर सकती है। तो इसलिए हीट लोड एस्टिमेशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि हम विंटर सीजन है तो वहाँ पर हमें हीटिंग करनी है, और समर सीजन है तो वहाँ पे कूलिंग करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वहाँ पे कौन सी हम मशीन, यानी जो हमारा स्पेस है उसमें कौन सी मशीन ज़्यादा सूटेबल है, उसका साइज क्या है, और ज़्यादा एक्यूरेट मेथड वे में हम उसको हीट लोड को कैलकुलेट कर सकें, इसलिए हमें हीट लोड एस्टिमेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों, चलते हैं देखते हैं हम आगे वीडियो में। तो मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इफ़ यू डू हीट लोड एस्टिमेशन बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ द हीट लोड इट हेल्प यू टू अवॉइड एरर डूइंग द कैलकुलेशन एंड सेलेक्शन ऑफ मशीन। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप हीट लोड एस्टिमेशन पहले कर देते हैं कैलकुलेशन से, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप जो कैलकुलेशन में जो मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं या जो सिलेक्शन ऑफ मशीन करनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आप कम से कम मिस्टेक करोगे, सिलेक्शन ऑफ मशीन भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एफिशियंट वे में आप वहाँ पर एक सिस्टम को इंस्टॉल कर सकोगे, इसलिए हीट लोड एस्टिमेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप समझते हैं द पर्पस ऑफ द लोड एस्टिमेशन, यानी कि हमारा जो लोड एस्टिमेशन करने का पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर इक्विपमेंट सेलेक्शन HVAC सिस्टम डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है कि हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें एक, जैसे सपोज करो हम वहाँ का साइज इस टाइप का है कि वहाँ पे कोई मशीन सूट कर सकती है और दूसरी मशीन सूट नहीं कर सकती, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि उस स्पेस में हम कौन सी मशीन को ज़्यादा ईजी वे में सूट कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक HVAC डिज़ाइन जो होता है, यानी जो HVAC डिज़ाइन हमें बनाना है, हम एक्यूरेट वे में उसके हिसाब से हम डिज़ाइन बना सकते हैं वहाँ पे जो एफिशिएंट वे में हम यूज़ कर सकें। और दूसरा मैंने यहाँ दिखाया, प्रोवाइड डाटा फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑप्टिमम पॉसिबिलिटी फॉर लोड रिडक्शन, यानी हम एक डाटा प्रोवाइड कर देते हैं कि क्या क्या हम किस तरीके से हम वहाँ का लोड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंट वे में, और किस चीज़ का कितना लोड हो सकता है, किसका कितना कम हो सकता है, तो उस चीज़ को भी हम मेंटेन कर सकते हैं, हमारे माइंड में हो जाता है। तो और थर्ड मैंने दिखाया हुआ आपको, टू परमिट एनालिसिस ऑफ पार्सल लोड एज रिक्वायर्ड टू सिस्टम डिज़ाइन ऑपरेशन कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, हम एनालाइज कर सकते हैं पहले से, यानी डिज़ाइन करने से पहले हम एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप की मशीन हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे किस टाइप के इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ का स्पेस क्या है, वहाँ के एरिया क्या है, वहाँ की कंडीशन क्या है, उस सबको हम पहले से एक आइडिया बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन जब करेंगे उसको, यानी हम जब कैलकुलेशन के बाद उसको एग्जीक्यूशन करेंगे, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एक ईजी वे, एक पाथ मिल जाता है, हम आसान वे से हम उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हीट लोड एस्टिमेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ कैलकुलेशन में, बट इसके बेसिस पर हम एक्यूरेट रेट में हम लोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहाँ का जो लोड होगा वो कितना हो सकता है, और एफिशिएंट वे में हम वहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसलिए हीट लोड एस्टिमेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा जो हीट लोड एस्टिमेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है वो होता है हमारा बिल्डिंग सर्वे, यानी कि जिस स्पेस का हमें लीड, एक तरीके से कह सकते हैं जिस स्पेस का हमें लोड कैलकुलेट करना है, तो उसका हमें क्या करना होता है, उस बिल्डिंग का हमें एक सर्वे करना होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट सर्वे यू कैनॉट बी कैलकुलेट द हीट लोड। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें जिस स्पेस में हमें अपना HVAC सिस्टम लगाना है तो उसका पहले सबसे पहले क्या करना है, सर्वे करना है। तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, बिल्डिंग सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीट लोड एस्टिमेशन। जब भी हम कोई भी
HVAC सिस्टम कहीं पे इंस्टॉल करते हैं तो उस जगह का या उस बिल्डिंग का हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका साइज क्या है, वहाँ का एरिया कितना है, वहाँ पे कितने विंडो है, कितने डोर्स हैं, मतलब इस सब का हमें एक सर्वे करना होता है। उसके कितने फ्लोर है ये सब हमें एक पहले से हमें सर्वे करना होता है, और वहाँ पे कौन से टाइप की हम मशीन को सूट कर सकते हैं, यानी कि सपोज करो साइज कम है तो साइज कम के हिसाब से हमें वहाँ पे वैसी मशीन लगानी है, साइज ज़्यादा है तो वहाँ पे उसके हिसाब से हमें लगानी है मशीन, वहाँ पे कितना लोड आ सकता है वो सब हम सर्वे करते हैं। तो दोस्तों हम जो बिल्डिंग सर्वे करते हैं उसको हमने तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया इन एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन। इन एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड हीट फ्लो रेट, मतलब कि जब भी एयर कंडीशनिंग डिज़ाइन करते हैं उसमें तीन टाइप्स के हीट फ्लो रेट होता है और वो एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और डिफरेंट भी है। तो पहला जो आता है इसके अंदर वो है हमारा हीट गेन और लॉस, दूसरा होता है कूलिंग लोड हीटिंग लोड, एंड द थर्ड होता है हीट एक्सट्रैक्शन और हीट एडिशन। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों हीट गेन और हीट लॉस, मतलब कहाँ से हीट आएगा कहाँ से हीट जाएगा। तो ये सब का हमें पहले सर्वे करना होता है, जैसे कि सपोज को कहीं पर विंडो है, ट्रांसपेरेंट विंडो है, तो ट्रांसपेरेंट विंडो से जो हीट आती है वो आती है हमारी रेडिएशन फॉर्म में आती है, कोई ओपन जगह है तो वहाँ से हीट जाएगी, कुछ वॉल्स है वॉल से हीट आएगी, रूफ है रूफ से हीट आएगी, तो वहाँ से कहाँ कहाँ से हीट आ सकती है उस सब का हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि कितने टाइप कहाँ कहाँ से हीट आ सकती है, कितने टाइप की हीट हो सकती है वहाँ पे। हीट जो होती है मैंने आपको बताया तीन टाइप्स के हीट फ्लो हो सकता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कहाँ से कंडक्शन हो सकता है, कहाँ से कन्वेक्शन हो सकता है, कहाँ से रेडिएशन हो सकता है एट ए गिवन टाइम पे। तो इसका हमें ध्यान रखना है, यानी हीट कहाँ से आएगी हीट कहाँ से जाएगी, इस सब का हमें ध्यान रखना होता है। तो दे आर टू वेज टू हीट गेन एफ क्लासीफाई, दे आर मैनर्स विच हीट एंटर्स द स्पेस एंड द टाइप ऑफ हीट गेन। तो जैसे मैंने दिखाया आपको यहाँ पे दो टाइप्स की हीट एंटर्स, हीट्स को हम दो टाइप्स की कहाँ से हीट आएगी स्पेस में और वो किस टाइप की हीट होगी। तो मैंने जैसे दिखाया कहाँ से हीट आएगी, तो मैंने बताया हीट तीन टाइप्स में आ सकती है, कंडक्शन वे में आ सकती है, कन्वेक्शन वे में आ सकती है, रेडिएशन वे में आ सकती है, और टाइप ऑफ हीट किस टाइप की हीट होगी वो आएगी। तो दो टाइप की हीट आती है, या तो वो सेंसिबल हीट होगी या वो लेटेंट हीट होगी। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे हम अपनी स्लाइड में। तो दोस्तों सबसे पहले काम बिल्डिंग सर्वे होता है, इसको मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि हीट गेन कहाँ से होगी, कूलिंग लोड और हीट लोड क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्शन हीट एडिशन क्या होता है। तो ये सब का हमें ध्यान रखना है। हीट गेन मैंने बता दिया, हीट लॉस बता दिया, मतलब हीट गेन का मतलब हीट कहाँ से आ सकती है, किस टाइप की हीट होगी, ठीक है, और उसका मैनर मतलब किस टाइप की हीट होगी और द वे ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब किस तरीके से हीट ट्रांसफर होगी। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है द मैनर इन विच द हीट लोड सोर्स एंटर्स इन ए स्पेस इंडिकेट एज फॉलो, मतलब कि क्या है, किस तरीके से हीट हमारे स्पेस में अंदर आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है किस टाइप से हीट आ सकती है। एक होता है सोलर रेडिएशन, सपोज को यहाँ पे मैंने विंडो लगा रखी है तो विंडो से जो सन है सन से सीधा हीट क्या आएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में सीधा कमरे में हमारे जो स्पेस है वहाँ पे हीट आ जाएगी। दूसरा होता है हीट कंडक्शन थ्रू द एक्सटीरियर वॉल, यानी जो वॉल है वॉल से जो हीट आती है वो किसके फॉर्म में आती है, वो कंडक्शन के फॉर्म में आती है, यहाँ से आएगी वॉल्स से जितने भी हैं, ठीक है, वॉल्स जितनी भी है वहाँ से हीट आएगी कंडक्शन के फॉर्म में। और तीसरा देखा है हीट कंडक्शन थ्रू द इंटीरियर पार्टीशन, यानी जो उसके इंटीरियर पार्टीशन होंगे वहाँ से भी हीट आ सकती है। एंड द फोर्थ दिया हुआ हीट जनरेटेड विद इन द स्पेस बाय ऑक्यूपेंट लाइट अप्लायंसेस इक्विपमेंट एंड द प्रोसेस, यानी जो हीट जो हमारा स्पेस है उसके अंदर भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे या ऐसी लाइट होंगी अप्लायंसेस होंगे जो खुद हीट जनरेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर दिया हुआ है, कंप्यूटर भी हीट जनरेट करता है, लाइट्स दिया है लाइट की वजह से भी हीट आएगी, ठीक है, और कोई पीपल्स होते हैं वो भी हीट उनकी वजह से भी हीट आती है। तो इन सब का भी हमें हीट का ध्यान रखना है कि ये भी हमें हीट लोड के अंदर काउंट करना है। एंड द फिफ्थ दिया हुआ है लोड एज रिजल्ट द वेंटिलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि किस तरीके से जो वेंटिलेशन होगा इन्फिल्ट्रेशन होगा तो वहाँ से भी हीट आ सकती है। और अदर मिसलेनियस हीट गेन और दूसरे तरीके भी हीट होती हैं। और जैसे टाइप्स ऑफ हीट मैंने बताई, दो टाइप्स की हीट होती हैं, एक होता है हमारा सेंसिबल हीट, दूसरा होता है लेटेंट हीट। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस टाइप की हीट हम जिस स्पेस का हमें हीट लोड
कैलकुलेशन करना है, तो वहाँ पे किस किस टाइप की हीट आ सकती है उस चीज़ का हमें एस्टिमेट बनाना है, ध्यान रखना है जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट सिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ कि किस किस टाइप की हीट होगी, ताकि वहाँ पे जब मैं इन टर्म्स को यूज़ करूँ तो आपको एक आइडिया हो जाए कि ये कौन से टाइप की हीट है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, प्रॉपर डिजाइन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम रिक्वायर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेंसिबल हीट एंड गेन इन द स्पेस। यानी अगर हमें प्रॉपर डिजाइन करना है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का, तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि जो हमारा स्पेस है उसके अंदर कितने सेंसिबल हीट होगी और कितना उसके अंदर लेटेंट हीट होगी। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, जब भी हम टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं तो सेंसिबल हीट को एड करते हैं लेटेंट हीट को, फिर उसके हिसाब से हम वहाँ पे मशीन या कह सकते हैं हम एच वी सिस्टम लगाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसिबल कूलिंग लोड होता है, तो सेंसिबल कूलिंग लोड में हम क्या करते हैं सबको, सेंसिबल कूलिंग लोड इज डिफाइंड एट द रेट एट विच द हीट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द स्पेस टू मेंटेन द रूम एट टेम्परेचर एट द कॉन्स्टेंट वैल्यू। यानी कि सेंसिबल कूलिंग लोड क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट को हमें रिमूव करना है ताकि वहाँ का जो स्पेस है हम उसको एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर मेंटेन कर सके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक नोट में दिखाया हुआ है, द एक्चुअल टोटल कूलिंग लोड इज जनरली लेस देन द पीक टोटल इंस्टेंटेनियस हीट गेन, दस रिक्वायर्ड स्मॉलर इक्विपमेंट देन। इसका मतलब क्या होता है, जो हम एक्चुअल कूलिंग लोड कैलकुलेट करते हैं तो हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा, क्योंकि हम ऐसे जगह पर कैलकुलेट करते हैं, और ज़्यादातर जब भी हम हीट लोड कैलकुलेट करेंगे तो हम हमेशा या तो रात के टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं जब कोई नहीं होगा, या फिर सुबह के टाइम हम उस स्पेस का हीट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। और थर्ड मैंने बताया था हीट एक्सट्रैक्शन, हीट एक्सट्रैक्शन रेट इज द रेट एट विच द हीट रिमूव फ्रॉम द कंडीशन स्पेस। ठीक है, यानी कि हमें कितनी स्पीड से हीट को वहाँ से रिमूव करना है, कितनी स्पीड से हमें हीट को, हीट या कूलिंग लोड को हमें क्या कितनी स्पीड से उसमें एंटर करना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है डाइवर्सिटी ऑफ लोड, तो दोस्तों डाइवर्सिटी ऑफ लोड मतलब कितने टाइप्स के लोड हो सकते हैं, तो मशीन लोड भी काउंट करते हैं हम, लाइटिंग लोड भी काउंट करते हैं, पीपल्स लोड भी हम काउंट करते हैं। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब हमें काउंट करना होता है, हमें अपने माइंड में ध्यान रखना होता है जब भी हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कैसे एस्टिमेट करना है, तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमें देखा है प्रिंसिपल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द हीट लोड, यानी प्रिंसिपल क्या होता है इसका और प्रोसेस क्या होता है जब हम कभी भी कैलकुलेट करते हैं हीट लोड को। तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम यूज करते हैं नाइट में ड्यूरिंग द अनऑक्यूपाई आवर्स, यानी जब कोई भी नहीं होगा हमारे स्पेस में उस टाइम पे हम हीट लोड को कैलकुलेट करेंगे नाइट में, या फिर मॉर्निंग में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब भी हमें कैलकुलेशन करना है तो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहला तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ का स्पेस साइज कितना है, वहाँ पे क्या काम करना है हमें, यानी वहाँ पे क्या काम होना है, मैन्युफैक्चरिंग होना है, सर्विसिंग होनी है, किस टाइप की, मतलब वहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे किस टाइप का ऑपरेशन काम होगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वहाँ का लोड कितना हो सकता है। और हीट लोड सोर्सेस क्या क्या होंगी, तो मैंने बताया सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, मशीनों की वजह से जो लोड आएगा, लाइट की वजह से जो आएगा, जो लोग वहाँ पे होंगे उनकी वजह से जो हीट आएगा, वो सब ध्यान रखना है। लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, कहाँ पे हमें इक्विपमेंट लगाने हैं, ये सब का ध्यान रखना है जब भी हम एस्टिमेट करेंगे वहाँ के साइज के हिसाब से, ताकि वो देखने में थोड़ा इस तरीके से दिखाई दे एफिशिएंट वे में। वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है वो चीज़ का ध्यान रखना है, और वहाँ का डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन से हीट आएगी, किस डायरेक्शन से हीट जाएगी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है ताकि हम एक्यूरेट वे में उसका एस्टिमेट बना सके और उसको हम यूज कर सके अपनी कैलकुलेशन पार्ट में। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड इनपुट एक्सटर्नल लोड कूलिंग। तो दोस्तों फॉर कैलकुलेशन ऑफ द आउटडोर लोड द इनपुट इंफॉर्मेशन शुड इंक्लूड, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो ओरिएंटेशन एंड द डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट्स, यानी कि हमें तो एक तो ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, ओरिएंटेशन मतलब नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट या वेस्ट किस डायरेक्शन में है, और उसका डायमेंशन क्या है। जैसे सपोज को विंडो है, डोर है, उसका साइज कितना है, वॉल्स है, उसका साइज कितना है, इन सब का भी हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ द रूफ वॉल सीलिंग इंटीरियर पार्टीशन ऑफ द फ्लोर, यानी वो मटेरियल कैसा, जो बॉल है,
रूफ है या सीलिंग है, इंटीरियर पार्टीशन है, वो किस मटेरियल के बने में, वहां से कितना हीट आ सकता है, यानी अगर इंसुलेटर है तो हो सकता है वहां से हीट आए नहीं, अगर कंडक्टर है कंडक्शन टाइप में है तो वहां से हीट आ सकता है, और दूसरा तीसरा दिया हुआ यहाँ पे साइज एंड यूज ऑफ स्पेस टू बी कंडीशन, कि जो हमें स्पेस कंडीशन करना है उसका साइज क्या है, वो किस चीज के लिए यूज करने वाले हैं, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, और चौथा फोर सराउंडिंग कंडीशन आउटडोर एंड एडजॉइनिंग स्पेस, यानी जिस स्पेस का हमें कंडीशन करना है उसके सराउंडिंग में क्या स्पेस है, किस टाइप का स्पेस है, पहले से वो कंडीशन हुआ हुआ है, अगर सपोज की एक वॉल है उसके पीछे वाला स्पेस पहले से कंडीशन हुआ हुआ है तो उसको हम काउंट में नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें कूलिंग, उसको हम कैलकुलेशन में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से कूल हुआ हुआ होगा, ठीक है, वो एडजॉइनिंग स्पेस मतलब वहां का एडजॉइनिंग स्पेस किस टाइप का है, उस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि जब भी हम हीट एस्टिमेशन करते हैं तो उसके फायदे क्या है और उसको हम कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने हीट लोड कैलकुलेशन में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो का लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।